नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत भाग 2 के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें बता दें आपको कि अभी तक हम लोग 4 चैप्टर अपने खत्म कर चुके हैं। कितने? 4 चैप्टर। आज बात करेंगे 5वें चैप्टर के बारे में, शासक और इमारतें। शासक देखेंगे और इमारतें। याद रखना है आपको इन्हें एक कहानी की तरह सुनना है, क्योंकि अगर शुरू से आप लोग दिमाग लगाने लगेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और शांति रख के, धैर्य रख कर अगर सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, शासक और इमारतें। चित्त, चित्त एक, ये दिख रहा है? कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा जो जो ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देख लें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 बरस पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या फिर ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वाला वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कर। ठीक है, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह के लिए महल मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में आपके मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा कर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए। आगरे के किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अधि रचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाव होता है अधिरचना। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण का स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आसपास लकड़ी की सह तीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है।
सातवीं और दसवीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आसपास आसपास आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाए। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे बावली कहते हैं, से जुड़े भवनों का निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथा वत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। ठीक है, यह करवाया। चित्र दो का दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चित्र जो दो खा है, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल है। ठीक है, बात करते हैं 11वीं शताब्दी के पैर में मंदिर निर्माण। ये चित्र तीन खा में, चित्र तीन खा का सॉरी तीन चित्त काये है, तीन चित्त खाये, तीन चित्त का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंशों के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्त तीन खा मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जिसे बोलते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी, यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्त चित्त चार चित्त चार तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर ये 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा रहे थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलर द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिसकी चढ़ाई बहुत खड़ी नहीं थी। मंदिरों पर मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक, 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिक रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था मेहराब, कभी शुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डाट, अधिक रचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती। चित्र पांच का मेहराब का विशिष्ट रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और चित्र सिक्स आगरा किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसे अकबर नामा से लिया गया है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी,
जिसमें पत्थर के टुकड़ों की मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डाल लें, क्या फर्क पड़ता है, नजर ही तो डाल दी है। बात करते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवताओं के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करना था। मुगल एक शाही वास्तु शिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तु शिल्पी बताया। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद, देख लीजिए, मक्का की ओर संकेत को केबला कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसने अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा घनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आसर प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबके उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। जल का महत्व, फारसी शब्द आवाद और आबादी आब शब्द से निकले जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इस तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के कोहिनूर के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे
अध्याय 3 के मानचित्र एक में ढूंढ सकते हैं। शासक प्रया सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा का हिस्सा होते थे। ये हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर उसका पवित्र सरोवर है अमृतसर में, ठीक है पंजाब में। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया फिर? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे से मैं यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रया ऐसी इमारतों का पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांडु राजा श्रीमद श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सैन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्म कीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बौद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। संगीली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले संगीली शासक सैन द्वितीय ने अपनी सेना को पांडवों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बौद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास हुए। मुगल चारबाग, हुमायूं के मकबरे का चारबाग है दिल्ली में, ठीक है। कश्मीर में शालीमार बाग का श्रेणीदार चारबाग, ये लाल महल बारी में चारबाग को तटीय भाग के रूप में अपनाया गया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप है, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब बात करते हैं बाग मकबरे किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ए बाग दीवार से घिरे होते थे तथा किंतिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार हाथ में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। चार समान हिस्सों में बटे हुए होने के कारण ये चारबाग कहलाए। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबाग को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह की महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था, ऊंचा मेहराब था, प्रवेश द्वार,
मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। चित्तदश काबुल में चारबाग का खाका बनाते समय बाबर 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दें, कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काट दी नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ये आपके दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावना शब्द भावपूर्ण संश्लेषण में लिया गया मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षा दीवान ए खास दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानीपूर्ण पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित एक दरबार चहल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रयाग केवला नवाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। पित्रादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। वादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्पियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्पियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारों पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्रांत प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा से को ही नहीं। ये आपका आगरा का ताजमहल है।
जिसका नाम है 1643 में पूरा हुआ, आगरा का ताजमहल देख लीजिए, यहीं से दर्शन कर लीजिए। चित्र 14, एक नक्शे से आगरा के नदी तट, बाग का शहर, पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभी जातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई ओर और चित्र 15 में दी गई दिल्ली की शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करना है। यह आपका चित्र 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है, वासा का निवास स्थान। शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग पर जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? इसमें ये यमुना नदी है आपकी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा। बात करते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जल निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में से बहुत मिलती जुलती। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला लिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परस संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाला छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव पड़ता है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का दुर्गीय भाग है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। दो पित्तिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता की धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आशय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यह शैली अपनाई गई। चित्र 17, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई का। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने दिख रहा है, संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक, ये गुजरात चित्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे बहाल के चर्चों का निर्माण प्रयास हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रयाग बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण, उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बोझ बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है।
है, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अभ्यास के लिए, टेलीग्राम पर डाल दी थी ये पीडीएफ, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर, आगे बात करेंगे हम लोग 6वें चैप्टर के बारे में, इसमें देखेंगे नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, ठीक है।